मैं हूं अंशिका, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। एक तो कोरोना की मार से जूझ ही रहे थे, ऊपर से तूफान भी आ गया। कोरोना को लेकर ममता बनर्जी के रवैये को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जिस तरह से चक्रवात के बाद सरकार लोगों को राहत पहुंचाने में विफल रही, जिस तरह से सरकार के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, उससे पूरे बंगाल में त्राहिमाम मच गया है। भीषण चक्रवाती तूफान इम्फान ने पूरे पश्चिम बंगाल को उजाड़ दिया है और हालात बदतर हो गए हैं। लेकिन अभी भी लगता है कि ममता बनर्जी नहीं सुधरी हैं, और बात यह भी है कि इस तूफान ने तबाही ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में मचाई बल्कि तृणमूल में भी घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता साधन पांडे ने पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कोलकाता नगर निगम को चक्रवात के बाद की तबाही का जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी की अपनी पार्टी के सदस्यों ने ही अब ममता की पोल खोलना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी चाहे कितना भी पश्चिम बंगाल के साथ होने का दावा कर रही हो या फिर ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही हो कि वे जो कुछ भी कर रही हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, लेकिन आखिरकार उनका ये नाटक ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। उनकी ही पार्टी के लोग अब उनकी पोल पट्टी खोलने पर आ गए हैं। साधन पांडे का कहना है कि इस चक्रवात से बचने के लिए सरकार द्वारा कोई उचित योजना नहीं बनाई गई थी, ना ही पार्टी सदस्यों से इस बारे में कोई चर्चा की गई थी। अगर ऐसा होता तो इस तबाही से निपटा जा सकता था। इतना ही नहीं, पांडे ने तो कोलकाता नगर निगम के महापौर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्हें इस चक्रवात के बाद वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक लेनी चाहिए थी जिससे इस मुश्किल से निपटा जा सके। ऐसे में उन्होंने महापौर को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें जनता के प्रति अच्छा प्रदर्शन ना देने पर इस्तीफे की हिदायत तक दे दी। साधन पांडे ने जो भी बातें बोली उससे तो ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी की पोल धीरे धीरे खुलती नजर आ रही है। ममता की पार्टी में चल रही तनातनी तो तब सामने आई जब चक्रवात के बाद पानी और बिजली की मांग को पूरा करने में ममता सरकार विफल रही। क्योंकि एक बात अगर यहाँ पर नोट की जाए तो इम्फान तूफान की सूचना तो कई दिनों पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी नगर निगम की ओर से पानी और बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कोई भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, और जब नगर निगम इसमें विफल रहा तो सारा दोष सीईएससी अधिकारियों पर डाल दिया गया। अब ऐसे में फरहाद हकीम भी पीछे रहने वालों में से तो नहीं थे। साधन पांडे की इस बातों पर उन्होंने भी ममता के पक्ष में रहते हुए पलटवार किया। अब जब महापौर ममता के पक्ष में हैं तो जाहिर सी बात है कि साधन पांडे को वो कैसे भी गलत तो ठहराएंगे ही, तो उन्होंने पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए इस संकट में प्रत्येक व्यक्ति से परामर्श करने का समय नहीं था, और तो और कहा कि मंत्री को बंद दरवाजे की बैठकों में भाग लेने के बजाय लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए सड़कों पर होना चाहिए था। ये बातें कहकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और साधन पांडे को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मतलब ये कि तृणमूल कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि स्थिति ममता बनर्जी के हाथों से बाहर चली गई है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के जिम्मेदार लोग एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं उससे तो साफ हो जाता है कि बंगाल की जनता एक दलदल में फंस गई है। अब ममता बनर्जी जितना भी इसे छिपाने की कोशिश करें लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। यही वजह है कि इम्फान तूफान के बाद जो स्थिति बन रही है वो ममता बनर्जी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कोरोना को लेकर ममता बनर्जी की राजनीति पहले ही बदनाम हो चुकी है। जिस तरह से उन्होंने बंगालियों को दूसरे राज्यों में सड़ने के लिए छोड़ दिया उससे ममता बनर्जी की सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश में किरकिरी हो गई। बंगाल के कई मजदूर देश के कोने कोने में फंसे हैं। बिहार झारखंड जैसे राज्यों ने काफी संख्या में अपने मजदूरों को वापस लाने में सफलता हासिल की, लेकिन इस मामले में ममता बनर्जी का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है। मुंबई में अब जितने लोग फंसे हैं उनमें ज्यादातर बंगाल के मजदूर हैं। यहाँ एक और बवाल मच गया है। महाराष्ट्र की सरकार उन्हें बंगाल भेजने के लिए तैयार है, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से भी बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर काफी असर पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अपने ही रचे जाल में फंस गई हैं। जिन मुद्दों को लेकर वो बंगाल में राजनीति कर रही थी वही मुद्दे उन्हें आजकल हाउंट कर रहे हैं। राजनीति में इसीलिए संयम रखना जरूरी होता है। वक्त और मौके के हिसाब से व्यवहार भी बदलना जरूरी होता है। राजनीति का ये अहम सबब शायद ममता ने नहीं सीखा है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आप यही सोच रहे हैं ना। 4 साल पहले कोलकाता के सड़क पर सेना के जवानों को देखकर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई थी।
दरअसल सेना का मॉक ड्रिल चल रहा था और टोल नाकों पर जवानों को देखकर ममता बनर्जी भड़क गई थी, बवाल मचा दिया, इतना ड्रामा किया था कि 3-4 दिन मीडिया की सुर्खियों में बनी रही। उन्होंने आर्मी के मॉक ड्रिल पर यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राज्य में इमरजेंसी लगाने जा रही है, आर्मी का डर दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को काफी खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब वही ममता बनर्जी मुसीबत में उसी सेना की मदद ले रही है, जिसे देखकर वो देर रात तक सचिवालय में ही डटी रही। सेना तो वही है, तो क्या अब उनको सेना से वो डर नहीं है जो पहले था? अब अगर डर नहीं है तो पुराना पैतरा तो राजनीतिक नौटंकी ही समझी जानी चाहिए। बंगाल की जनता अब ममता बनर्जी को एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जो अपनी सत्ता बचाने के लिए सिर्फ तमाशा करने में यकीन रखती हैं। इसीलिए बंगाल के लोग नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से विफल हो गई हैं। कोलकाता में तूफान के चलते बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने पर कई इलाकों में लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। लेकिन अच्छी बात ये कि बंगाल के गवर्नर ने अपनी सारी बेइज्जती को भुलाकर ममता के साथ मिलकर तूफान और कोरोना से निपटने की पहल की। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के सेना बुलाने के फैसले को लेकर तारीफ की है। राज्यपाल धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इम्फान तूफान से हुई तबाही के बाद सेना की मदद लेकर सकारात्मक कदम उठाया है और ये तारीफ के काबिल है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमें सभी पर्याप्त संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बंगाल में गवर्नर धनखड़ की तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने इस त्रासदी में राजनीति से ऊपर उठकर जनता को राहत देने का काम किया है। लेकिन ममता बनर्जी का अंदाज अभी भी वही है। कोलकाता में दक्षिण से लेकर उत्तर तक कई इलाकों में बिजली पानी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। इस पर ममता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उनसे कई सवाल किए गए और जवाब में उन्होंने कहा, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मेरा सिर काट लीजिए। हालांकि ये बात तो साफ है कि चक्रवाती तूफान इम्फान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है और ममता बनर्जी के अनुसार राज्य में 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये भी ममता की ओछी राजनीति का ही एक हिस्सा है। पीएम मोदी को फंसाने के लिए नुकसान की इतनी बड़ी रकम बताई, लेकिन पीएम मोदी ममता को भाप गए और पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा कर दी। साथ ही ममता का पीएम को तूफान के बाद बंगाल का जायजा लेने के लिए न्योता देना भी एक राजनीति ही थी, क्योंकि वो जानती थी कि कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन में पीएम का वहां आना मुश्किल है और अगर वे नहीं आते तो सबके सामने गलत बयानबाजी कर उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ममता दीदी को अपनी किसी भी चाल में कामयाब नहीं होने दिया। ये वही ममता बनर्जी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाकर एक तरीके से राजनीतिक बहिष्कार ही कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया था, कई बार तो भाषा की मर्यादा को भी लांघ दिया था। लेकिन बंगाल जिस मुसीबत में फंसा है उसमें अगर सरकार, मुख्यमंत्री और प्रशासन राजनीति का खेल खेलने लग जाए तो बंगाल की राजनीति को काफी नुकसान होगा। हकीकत यह है कि ममता सरकार को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि बंगाल में कितने कोरोना के मरीज हैं और चक्रवात में कितना नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर ममता बनर्जी राजनीति को त्याग कर बंगाल की जनता की मुसीबत को खत्म करने में नहीं जुटती हैं तो पूरे राज्य में हाहाकार मच जाएगा। ये वक्त राजनीति का नहीं है, लोगों को मदद करने का है, राहत पहुंचाने का समय है। बंगाल के सभी राजनीतिक दलों को ये समझना पड़ेगा कि राजनीति करने के लिए मौके आएंगे, लेकिन फिलहाल लोगों की सेवा करने का अवसर है। जो इस अवसर को खो देगा उसे जनता भी नकार देगी, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। खबरों की खबर में फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए कैपिटल टीवी।